आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक्वेरियम का एयर पंप ठीक करना बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है और एयर बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूँ। तो आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, बहुत ज़्यादा ये आवाज़ दे रहा है। एयर नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये ऑन होने के बावजूद भी एयर नहीं दे रहा है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बिल्कुल भी एयर नहीं दे रहा, मैंने पाइप डाली हुई है अंदर तक। चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं, इसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे जल्दी से खोल लेते हैं हम पेचकस की सहायता से। आपको चारों नट खोलने होंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एयर पंप ओपन हो चुका है। आपको इसे निकालना पड़ेगा, पहले इसी भी को चेक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसी में होती है, करंट तो हमारी आ रही है, यानी कि हमारा ये ट्रांसफार्मर सही है। ये हमारे वैक्यूम, ये जो है इसमें गंदगी जम जाने के कारण ही नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए फ्रंट से भी खोल लेते हैं। ये भी हमारा खुल चुका है। इसे आप अगर हल्के से ही प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है बहुत आराम से। इसे ज़रूर निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। ये एक स्टॉपर टाइप का होता है जिससे ये खुलेगा नहीं अगर इसे नहीं निकालेंगे तो। देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये निकल गया है। अब ये हमारा आराम से निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई है एयर खींचने के कारण। इधर से एयर खींचता है और दूसरे साइड से एयर छोड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है। तो इसे हम निकाल करके इसे साफ़ करेंगे, रबड़ को निकाल देंगे। पतली से पट्टी के टाइप में एक रबड़ होती है फ्रेंड्स, इसे भी निकाल लीजिएगा आप। इसे ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें जमी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे जल्दी से फटाफट साफ़ कर लेता हूँ। इसे भी आप खोल के दूसरी साइड से भी इसे साफ़ कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं इधर साइड भी वैसे ही है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसे जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं एयर को सक करने के लिए, फिर वो दूसरी तरफ से एयर को पास करते हैं यहाँ से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस सभी होलों को अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, इनमें डस्ट जमा हो जाती है। जब आप इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो आपका जो एयर पंप है वो बिल्कुल भी नॉइस नहीं करेगा, एयर भी अच्छे से देगा। आप देख सकते हैं ये जो छेद हैं, ये दोनों ही छेद खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे से भी, देखिए साफ़ हो गया है हमारे। अब इनके बाकी कंपोनेंट्स को भी हम साफ़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ये गंदे हैं। किसी ब्रश की सहायता से आप इन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिएगा। पत्तियों को भी अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से एयर एक तरफ से रुकती है और दूसरी तरफ को पास होती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये दोनों भी चीज़ें अब साफ़ हो चुकी हैं। इन्हें भी आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा ये सक्शन कप लगा होता है ऐसा टाइप का, ये कभी कभी फट जाता है। तो इसमें से भी एयर जो है वो पास होने लगती है
तो ये तो मेरा अभी एकदम बढ़िया है। जब कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। अब सभी चीज़ों को हम लगा लेंगे फ्रेंड, उसी तरह जिस तरह से हमने निकाला था। पहले ये पट्टी लगेगी फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये रबड़ लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ, ये मेरा एयर पंप करीबन 3 साल पुराना है। इसमें से यही प्रॉब्लम आती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम, जिन्हें आप अपने आप से ही घर पे सॉल्व कर सकते हैं। नया एयर पंप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एयर पंप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जब आपको लगे, तभी आप एयर पंप चेंज करें, वरना आप ऐसे ही घर में बना सकते हैं एयर पंप को घर पे। अब इसके कप को हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम इसे फिट कर देंगे। इसमें भी थोड़ी गंदगी है जिसे साफ करना ज़रूरी है। अभी साफ़ हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे उसी तरह से सेट कर देंगे जिस तरह से ये लगा था। यहाँ पर फ्रेंड्स एक रबड़ की इस टाइप की पत्ती होगी, उसे ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर लेंगे हम, जहाँ पे लगा था। ये टाइट हो चुका है। फ्रेंड इसे लगा देंगे। ये देखिए लग गया है। अब इसमें हमारी एयर पंप की पाइप लगेगी, इसे जल्दी से हम पैक कर लेते हैं। स्क्रू को टाइट कर लेंगे। स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं, वैसे मैं चेक करूँगा। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने एयरफोन को कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए। और मैं अपने एक्वेरियम में दिखाता हूँ वे कैसी एयर दे रहा है। देखिए फ्रेंड, इतनी अच्छी एयर दे रहा है। मैं माइक को इसके पास ले जाके आपको दिखाता हूँ कि ये आवाज़ कितनी कर रहा है। सुनिए, बहुत ही कम आवाज़ कर रहा है ये, बहुत ही कम आवाज़ कर रही है, चल भी अच्छे से रहा है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी ये वीडियो, नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चल रहा है मेरे एक्वेरियम में अभी।